Do you know how many Indians are suffering from liver disorders? Yes, yes, yes. How many percent. Any guesses? <laughs> okay, I hope so. Subne Panvi, like the presentation or Sunni, yeah, that's why. Well, almost forty percent of Indians are suffering from liver disorder. liver. बीमारी या लिवर से रिलेटेड किसी भी तरह की डिसऑर्डर से 40 प्रतिशत इंडियंस सफ़र करते हैं यानी कि पाँच में से दो अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग हैं यहाँ प्रेजेंट वेल डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की लिवर प्रॉब्लम्स देखी जाती है दो इंडियंस में हर पाँच में से दो इंडियंस में इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल डेथ रेट पे हम देख नज़र डालें तो ग्लोबली 20 परसेंट Uh, जो डेथ होती है लिवर डिजीजेस की वजह से वो उसमें इंडियंस हैं यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर पांच मौतें हो रही हैं लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से तो उसमें से एक इंडियन है सो ऑब्वियसली काफ़ी हाई रेशियो है ये लिवर डिजीज़ का जो इंडिया में देखा जा रहा है सो so, ये एक काफ़ी अलार्मिंग रेट है हम सबको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है राइट right? ओके okay. सो so, हम लिवर डिजीज़ के बारे में बात ही कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं वॉट इज़ लिवर वेल लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है इवन अगर आप देखें तो ये आपकी बॉडी में अपर राइट साइड पे मिल होता है प्रेजेंट होता है और ये आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शंस प्ले करता है वाइटल मीन्स जो आपको जिंदा रखने में जो रोल प्ले करता है तो उस तरह के रोल प्ले करता है लिवर इसके अंदर एक ख़ासियत है एक खूबी है वो ये है कि ये रीजनरेट कर सकता है बट रीजनरेट एक लेवल तक कर सकता है अगर डैमेज उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम सबके लिए खतरा है राइट right? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेल well, हमें ज़िंदा रखने के लिए पांच इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबसे पहला मेटाबॉलिक फंक्शंस जो भी हम खाते हैं हमारा जो न्यूट्रिशन हम एब्जॉर्व करते हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी तक नहीं जाता वो सबसे पहले लिवर में जाता है लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है इस तरह से ताकि वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन सेकंड है सिंथेसिस वेल well, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है इवन हमारे मसल्स और सभी चीज़ें प्रोटीन की बनी होती हैं हमारे जो हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं तो लिवर प्रोटीन को बनाने में सिंथेसाइज़ करने में रोल प्ले करता है थर्ड फंक्शन है सिक्रिटरी फंक्शन लिवर बाइल सिक्रीट करता है अब कई लोग सोचेंगे बाइल क्या होता है राइट right? हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें से एक न्यूट्रिएंट है फैट राइट right? फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है यानी कि जो हेल्दी फैट होता है वो ज़रूरी है और जो ये बाइल है लिवर है ये हमारे उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है अगर बाइल कम होगा तो अनहेल्दी फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और मोटापा बढ़ेगा बट जो लिवर है वो बाइल सिक्रिएट करता है ताकि हम इस फैट को पचा सके हेल्दी बना सके नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बाई प्रोडक्ट में काफ़ी सारे टॉक्सेंस बनते हैं हमारी बॉडी में इन टॉक्सिन्स को लिवर हेल्प करता है रिमूव करने में यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है इवन हम कई तरह की मेडिकेशंस लेते हैं राइट right? उन मेडिकेशंस में भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ बनते हैं और लिवर इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है तो ये था इसका फोर्थ फंक्शन अब आते हैं फिफ्थ फंक्शन की तरफ इसका फिफ्थ फंक्शन है स्टोरेज हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी इमिजिएटली यूटिलाइज नहीं करती हैं धीरे धीरे यूटिलाइज करती है तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना ज़रूरी है बॉडी में राइट right? तो लिवर आयरन वाइटमिन्स एंड ग्लाइकोजिन को स्टोर करने में हेल्प करता है तो ये पांच इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जो लिवर प्ले करता है हमें ज़िंदा रखने के लिए बट वॉट अगर हमारा लिवर अनहेल्दी हो जाए राइट right? हमें कैसे पता चलेगा वेल well, हमारी बॉडी हमें ऐसे लक्षण दिखाती है साइंस दिखाती है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है सबसे कॉमन है हमारी आइज़ और स्किन येल्लो होगी यानी कि पीली पड़ने लगती है इवन स्किन में बिना किसी रीज़न की वजह से खुजली होगी आप काफ़ी हाइजीनिक हैं अपना ध्यान रखते हैं फिर भी खुजली होने लगती है तो माइट भी ये एक इंडिकेशन है कि आपका लिवर अनहेल्दी है दूसरे कॉमन साइंस हैं आपका यूरिन स्टूल डार्क और पेल कलर का हो जाता है और एक कैरेक्टरिस्टिक साइन आपको पैरों में और एंकल्स में टखनों में और पंजों में सूजन दिखती है स्पेशली सुबह उठते वक्त यह भी एक साइन है कि हो सकता है आपका लिवर अनहेल्दी हो इवन बिना किसी रीजन के थकान होना आपको भूख नहीं लगना बेमतलब की नॉजियाटिक यानी कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना ये सभी एक क्लासिकल साइन हैं एक अनहेल्दी लिवर के इवन जब सीवियर केसेस हो जाते हैं तो आपको पेट में बहुत तेज़ पेन और स्वेलिंग होने लगती है स्पेशली राइट साइड अपर पेट के रीजन में तो डॉक्टर्स जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कहाँ पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वो जा, जानना चाहते हैं कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है तो अगर आपके राइट right साइड में ज़्यादा पेन और स्वेलिंग है तो चांसेस है आपको लिवर डैमेज हो प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देखा गया है कि बिना किसी रीज़न की वजह से वेट लूज होना ये भी लिवर डैमेज का एक क्लासिकल साइन है तो ये सारे इंडिकेशंस जो बताते हैं कि हो सकता है आपको अनहेल्दी लिवर हो और इससे आप गैस कर सकते हैं और स्पेशली इनिशियल लेवल में ही अपने हेल्थ का केयर कर सकते हैं बट ये अनहेल्दी लिवर डैमेज होता क्यों है ऐसे कई रीज़न हैं आपको किसी तरह की बीमारी है आप किसी की मेडिक तरह की मेडिकेशन पे हैं बट सबसे कॉमन अनडिटेक्टेड जो पता नहीं चलता वो लिवर डैमेज होता है हमारे हमारी अनहेल्दी लाइफ की वजह से यानी कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एल्कोहल कंजम्पन स्मोकिंग ये ऐसे अनहेल्दी साइंस हैं जो आपके लिवर को डैमेज करते हैं और आपको पता नहीं चल पाता स्पेसिफिकली अगर कोई पर्सन ओवरवेट या ओबीज है तो चांसेस है उसके लिवर डैमेज हो इवन ब्लड शुगर हाई है लिपिड प्रोफाइल हाई है ब्लड प्रेशर है तो ये बहुत कॉमन साइंस हैं जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है बट सबसे इनिशियल लेवल होता है डैमेज का वो है फैटी लिवर जो मोस्टली सभी को किसी ना किसी लेवल पे आजकल पाया जाता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ बट ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को हेल्दी करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये फैटी लिवर दोबारा हेल्दी हो जाता है बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये फैटी लिवर की कंडीशन और बुरी और सिवियर होने लगती है और फिर डिफरेंट स्टेजेस आती है यानी कि लिवर फ्यूब्रोसिस एंड सीवियर से सीवियर लिवर सिरोसिस हो जाता है तो ये ऐसे केसेस हैं जिसे रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है और अगर आपका लिवर अनहेल्दी होता है तो आपको दूसरी बीमारी लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाना आपकी जो बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है यानी कि ऑस्टिपोरेसिस स्पेशली अगर आप इनिशियल लेवल पर ध्यान नहीं रखते तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लिवर इसके अलावा आपको नींद सही से नहीं आएगी और नींद सही से नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अराइज़ होने लगते हैं तो बहुत सारे दूसरी बीमारियों की जड़ है अनहेल्दी लिवर बट इसे हम दोबारा हेल्दी कर सकते हैं अगर आपको फैटी लिवर है तो आप इसको दोबारा हेल्दी कर बना सकते हैं अपने लिवर को डूज़ एंड डोंट्स की हेल्प से डूज़ आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ करना है बहुत ज़्यादा पानी पीना है रेगुलर बेसिस पे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपना वेट मेंटेन कर सकें और एक भरपूर नींद लेनी है यानी कि स्लीपिंग इज़ आल्सो वेरी मच नेसेसरी जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप है वो भी लेनी है बट क्या सिर्फ ये हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने से हो जाएगा हमारा लिवर हेल्दी नहीं ना सो so, जो चीज़ें हमारे लिवर को डैमेज कर रही है हमें उनसे भी बचना है जैसे कि जो हाई कैलोरी जंक फूड है वो हमें नहीं खाना है अवॉइड करना है इवन फेस्टिवल्स पे जब आप खाते हैं तब भी थोड़ा लिमिटेड खाएं तो बेटर है ओकेजनली चलेगा बट रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं खाना है इवन जो एक्सेसिव एडिड शुगर हम लेते हैं वो हमें कट डाउन करनी है एडिड शुगर आपकी बॉडी में जाके एक्यूमलेट होती है ब्लड शुगर बनाती है और इवन फैट में कन्वर्ट होकर आपके अंदर मोटापा लाती है सो so, उसे अवॉइड करना है एल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि स्मोकिंग नॉर्मली लोग सोचते हैं हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है ऐसा नहीं है ये बॉडी में जाके हमारे लिवर को भी डैमेज करती है इवन स्ट्रेस लेवल जो है स्पेशली नेगेटिव स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है टॉक्सिन्स इंक्रीज होते हैं और वो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं सो so, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें इसलिए एटमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एटमीज मिल्क व्हिच कंटेन्स द एक्सट्रैक्ट ऑफ मिल्क थीसिल द नेचुरल इंग्रेडिएंट नेचुरल हर्ब सो व्हाट दिस मिल्क थीसिल इज मिल्क थीसिल थॉर्नी हर्ब है यानी कि एक जड़ी बूटी है एक पौधा है जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलीमेरिन सिलीमेरिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिस पर काफ़ी सारी रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि ये आपकी लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है प्लस इसका जो डिस्क्रिप्शन uh, है वो आपको आयुर्वेदिक की बुक्स में भी मिलेगा यानी कि इंडिया की जो एंशेंट हिस्ट्री है जो मेडिकल हिस्ट्री है उसमें भी इसका एप्लीकेशन देखा गया है आयुर्वेद में भी इसे यूज़ किया जाता है लीवर की डिजीज से फाइट करने के लिए इवन जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं वो जो लिवर पॉइजनिंग हो जाती है उसको रिड्यूस करने में या उसको मिटाने के लिए भी मिल्क थिसल का यूज़ करते हैं सो so इससे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ अभी रिसेंटली रिसर्च साइंस uh, नहीं बल्कि काफ़ी एंशंट टाइम से ही इसको लीवर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये आपके लीवर को प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देता है प्लस जो लीवर सेल्स डैमेज होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आता है लीवर में यानी कि जैसे कि आपकी हेपेटाइटिस कंडीशन है या फिर डैमेज लिवर सेल्स की से जो सूजन आ रही है लिवर में उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है इवन ये लिवर को दूसरे टॉक्सन से भी बचाने में हेल्प करता है और ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है यानी कि जैसे कि आपका लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है वैसे मिल्क थिल आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है प्लस आपके मेटाबॉलिज्म जो लिवर का नॉर्मल फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है डैमेज से तो बचाता ही है बट उसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मिल्क हिस्से के और मिल्क थीसिल कंटेनिंग सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं लिवर डैमेज वाली कंडीशन में जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस हेपेटाइटिस सीरोसिस इवन ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सीडेंटल केसेस में जो लिवर डैमेज हो जाता है उसको भी हेल्प करता है रीजनरेट करने में और सबसे कॉमन नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि जो लाइफ रिलेटेड लिवर डैमेज होता है उससे भी इम्प्रूव करने में या बचाने में हेल्प करता है मिल्क थिसल और इसको लेना काफ़ी आसान है आपको सिर्फ दो टैबलेट्स लेनी है पूरे दिन में एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात के खाने के बाद और आप में से कोई भी इसे यूज़ कर सकता है जो अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहता है इवन जो लोगों का बिज़ी शेड्यूल है जिसकी वजह से उनको रेगुलर टाइम पे खाना खाना नहीं हो पाता है ऐसे लोगों को तो मिल्क लेना चाहिए क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की वजह से जो साइड इफेक्ट बॉडी में आता है उससे लिवर को बचाने में हेल्प करता है प्लस जो लोग रेगुलरली थकावट महसूस करते हैं स्पेशली स्ट्रेस की वजह से उन्हें भी मिल्क लेना चाहिए ताकि वो उनकी हेल्थ पर सपोर्ट करें लिवर हेल्थ में सपोर्ट करें सो आई होप आप सभी आइटमीज मिल्क थीसिल यूज़ करेंगे और अपने लिवर हेल्थ को मेंटेन करें थैंक यू